Now next one about character set in C languages. What is mean by character set? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी टाइप के कैरेक्टर्स यूज करना पॉसिबल उन सभी कैरेक्टर्स को ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे एज अ कैरेक्टर सेट फॉर दैट लैंग्वेज। इस जितने वर्ल्ड के अंदर जितने भी लैंग्वेजेज हैं चाहे वो ह्यूमन लैंग्वेज हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज का अपना खुद का एक सेट ऑफ कैरेक्टर डिफाइन होता है, सेट ऑफ डोमेन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक हिंदी, हिंदी के केसेस में बात करें, हिंदी क्या है लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, हिंदी के केसेस में यूज्ड कैरेक्टर्स क्या हैं लाइक दैट आर टू, या दीज आर सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच कैन बी यूज्ड इनसाइड हिंदी। जब भी आप हिंदी में कोई वर्ड टाइप करोगे तो हिंदी के अंदर ओनली गिवन कैरेक्टर्स यूज करना पॉसिबल है, आउट ऑफ देम समथिंग 52 सिम्बॉल्स अवेलेबल इन हिंदी। सेम एज इन केस ऑफ इंग्लिश, अगर आप कोई भी वर्ड इंग्लिश में टाइप करो देना, इंग्लिश में टाइप करने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, ओनली दैट वर्ड यूज करना पॉसिबल लाइक ए बी सी डी, सम अपर केस अल्फाबेट्स एंड सम लोअर केस अल्फाबेट्स विच आर यूज्ड इन इंग्लिश। इस इंग्लिश के केसेस में टोटल कितने कैरेक्टर्स यूज करना पॉसिबल, 26 + 26 मीन्स टोटल इज 52। मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या ह्यूमन लैंग्वेज के केस में बात करें, सभी लैंग्वेज का खुद का एक सेट ऑफ कैरेक्टर होगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विच आर परमिटेड ड्यूरिंग दैट सेंटेंस। मीन्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप या ह्यूमन लैंग्वेज में कोई भी वर्ड टाइप करते हो देन उस वर्ड के अंदर अलाउड कैरेक्टर्स क्या होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स इसके कैरेक्टर सेट का पार्ट होंगे। दिस इज द कैरेक्टर सेट ऑफ हिंदी, दिस इज द कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश। अगर आप हिंदी में कोई भी वर्ड टाइप करते हो लाइक हिंदी, हिंदी के अंदर केवल वही सिंबल्स यूज करना पॉसिबल हुआ जो ओनली हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है लाइक दैट। मीन सेम एज नेम, अगर नेम टाइप करा हिंदी में, नेम के किस में सपोज दैट मैंने राइट किया नेम लाइक एम ई, इट इज इनवैलिड वर्ड फॉर रिगार्डिंग हिंदी रिगार्डिंग इंग्लिश, बिकॉज ना ही इसको हिंदी के कैरेक्टर सेट का कंप्लीटली पार्ट कंसिडर करना पॉसिबल, ना ही इंग्लिश का कंप्लीटली पार्ट कंसिडर करना पॉसिबल है। अगर ये वर्ड हिंदी में टाइप करें देन इसके अंदर ओनली हिंदी के सिम्बॉल्स यूज करना पॉसिबल, लेकिन इसके इसमें यूज करें सम इंग्लिश सिम्बॉल, देयरफॉर इट इज इनवैलिड वर्ड फॉर हिंदी, इनवैलिड वर्ड फॉर इंग्लिश। इस किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई भी लैंग्वेज का यूज करके किसी भी टाइप का वर्ड टाइप करो देन उस वर्ड के अंदर ओनली उस लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट के सिंबल्स यूज करना पॉसिबल, से बाहर कोई भी सिंबल यूज करना पॉसिबल नहीं। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का कैरेक्टर सेट डिफाइन हुआ। कैरेक्टर सेट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल टू द गिवन लैंग्वेज। मीन्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स और सिम्बल्स यूज करना पॉसिबल, सिम्बल्स को और कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा कैरेक्टर सेट ऑफ दैट लैंग्वेज। कैरेक्टर कंप्यूटर साइंस में कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं लाइक एनसी स्टैंडर्ड, सेम एज यूनिकोड स्टैंडर्ड, एफसेडिक स्टैंडर्ड लाइक दैट यूनिकोड। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिकोड एनसी कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, एनसी कैरेक्टर सेट के अंदर टोटल 256 कैरेक्टर्स अवेलेबल है, चाहे वो सी हो या सी प्लस प्लस हो या जावा और एनी लैंग्वेज। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनसी कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, इस लैंग्वेज के अंदर ओनली गिवन 256 सिंबल्स यूज करना पॉसिबल। सिंबल्स क्या जस्ट अभी मैं हाईलाइट करूंगा। नेक्स्ट वन सेम है, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस सॉफ्टवेयर अगर यूनिकोड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, यूनिकोड कैरेक्टर्स में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड सिंबल्स हैं 65536, मीन्स दीज आर अवेलेबल सिंबल्स इन यूनिकोड कैरेक्टर सेट, दीज आर अवेलेबल सिंबल इन एनसी कैरेक्टर सेट। जावा एंड ओरेकल डेटाबेस विल सपोर्ट यूनिकोड कैरेक्टर सेट, इसलिए जावा के अंदर 62536 डिफरेंट सिंबल्स यूज करना पॉसिबल है। सेम एज एनसी कैरेक्टर सेट सपोर्टेड बाई सी एंड सी प्लस प्लस, मीन सी और सी प्लस प्लस दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनसी कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करते हैं, और एनसी कैरेक्टर सेट के अंदर टोटल सिंबल्स कितने हैं
ओनली 256 सिंबल, इसलिए सी और सी प्लस प्लस के अंदर ओनली 256 सिंबल्स यूज करना पॉसिबल है। अगेन ये सिंबल्स टू कैटेगरी में डिवाइड होंगे, सम सिंबल्स कैन बी यूज ओनली फॉर राइटिंग सोर्स कोड, सम सिंबल्स आर अवेलेबल ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पज, मीन्स कुछ सिंबल्स को सोर्स कोड के केस में बात करें टोटल 256 सिंबल है लेकिन फिर भी ऑल सिंबल सोर्स कोड में डायरेक्टली राइट करना पॉसिबल नहीं है। सम सिंबल्स आर यूज फॉर सोर्स कोड पर्पज, सम सिंबल्स आर यूज फॉर आउटपुट पर्पज और डिस्प्ले पर्पज विच इज डिस्प्लेड एज अ स्ट्रिंग्स। व्हाट आर द सिंबल्स अवेलेबल इन सी, सी लैंग्वेज, सी और एन सी के अंदर बात करें एन सी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइंड सिंबल्स सम अल्फाबेट्स, ऑल अपर केस अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी अप टू जेड, सम लोअर केस अल्फाबेट्स और ऑल लोअर केस अल्फाबेट्स, डिजिट्स 0 to 9, सम स्पेशल सिंबल्स, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल मैंने लिस्ट में मेंशन किए जिसके बेसिस पर आपके लिए इसके नेम्स भी याद रखना पॉसिबल है। दीज ऑल आर स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल और सम वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेस सिंबल्स लाइक अंडरस्कोर स्पेसेस लाइक दैट और सम स्पेस अदर सिंबल कॉल्ड एज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लाइक अ स्लैश बी स्लैश एन स्लैश आर, वी आर डिस्कसिंग व्हाट यू मीन बाय दीज सिंबल्स। इस टाइप से अगर टोटल बात करें टोटल सिंबल्स कितने सी लैंग्वेज के अंदर 256 सिंबल, वी कैन से सी और एन सी बिकॉज सी लैंग्वेज सपोर्ट्स एन सी स्टैंडर्ड, एन सी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 256 सिंबल्स अवेलेबल, इसलिए सी के प्रोग्राम में सी सोर्स कोड में ओनली दीज 256 सिंबल्स यूज करना पॉसिबल है। मीन्स 256 में से भी सारे के सारे सिंबल सोर्स कोड के पर्पज से यूज करना पॉसिबल नहीं बिकॉज सम सिंबल्स आर लाइक दैट सम विच आर नॉट यूज इन सोर्स कोड लाइक दैट दीज आर सिंबल्स, दिस इज ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पज नॉट फॉर यूज एज सोर्स कोड अवर प्रोग्राम। नेक्स्ट वन सी लैंग्वेज के केस में अगर बात करें सी हिंदी फॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करता इसलिए सी का सोर्स कोड हिंदी में राइट करना पॉसिबल है। सपोज दैट वी आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल्स इन सी एज अ आइडेंटिफायर एज एज, एज के केस में करंटली मैंने सिंबल क्या यूज किया ए, एज वैलिड सिंबल फॉर एन सी स्टैंडर्ड सेम है जी एंड ई ऑल आर वैलिड सिंबल। सपोज दैट अगर सेम केस मैंने यूज किया सम डिफरेंट वे लाइक दैट एज, इट इज इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम बिकॉज इस केस में यूज क्या किया है हिंदी फॉन्ट्स और हिंदी फॉन्ट्स एन सी स्टैंडर्ड का पार्ट्स नहीं, देयरफॉर सी लैंग्वेज के अंदर हिंदी फॉन्ट्स और सम अदर लैंग्वेज यूज करना पॉसिबल फॉर सोर्स कोड पर्पज। क्योंकि अगर सेम केस जावा के रिस्पेक्ट में बात करें जावा के लिए सेम केस कैसा है वैलिड बिकॉज जावा के लिए हिंदी फॉन्ट्स कैसे हैं वैलिड कैरेक्टर्स और वैलिड कैरेक्टर सेट बिकॉज इट इज अ वैलिड पार्ट फॉर यूनिकोड कैरेक्टर सेट, दीज आर मीन बाई डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल्स। नेक्स्ट वन हाउ टू रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स और सिम्बॉल्स इन साइड मेमोरी लाइक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में बात करें जब आप इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट करते हो लाइक इंटीजर एक्स इक्वल्स टू समथिंग 10, देन 10 के केसेस में सिंपली एक्स की बात करें एक्स क्या इंटीजर वेरिएबल इसके अकॉर्डिंग इसके लिए टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे देर आर 2 bytes इन 16 bit compiler, here we are discussing with respect to 16 bit, 16 bit compilers में जब 10 assign करें तो 10 का binary number क्या store होगा 1010, remaining bits store हो जाएंगे as a 00 with respect to binary representation of any integer number, this is the binary representation for that one, and same as हाउ टू स्टोरिंग कैरेक्टर्स इन साइड मेमोरी, जब भी कैरेक्टर्स को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो मेमोरी के अंदर डेटा आपको ऑलरेडी पता है मेमोरी के अंदर ओनली बाइनरी डिजिट्स स्टोर करना पॉसिबल है। सिमिलरली अगर कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया लाइक अ कैर वेरिएबल नेम एज एक्स सम वैल्यू एज ए सिम्बॉलिक वैल्यू, इस केस में अगर बात करें कैरेक्टर का साइड डिफाइन है जाए 1 byte, तो करेस्पॉन्डिंग केस में करंटली एक्स के लिए अब कितने बाइट्स एलोकेट होंगे ओनली 1 bytes एंड 1 byte इज इक्विवेलेंट टू 8 bits, इस केस में टोटल बिट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं देयर आर 8 bits फॉर वेरिएबल एक्स, हियर एक्स इज डिक्लेयर्ड एज कैरेक्टर वेरिएबल्स इसलिए टोटल साइज क्या डिफाइन हुआ 8 1 byte
वन बाइट के केसेस में टोटल बिट्स कितने की टोटल देयर आर 8 बिट्स, लेकिन इस केस में आसान किया ए, आपको ऑलरेडी पता है बिट्स के अंदर या तो एट ए टाइम जीरो स्टोर करना पॉसिबल या फिर वन, लेकिन इस केस में ए के लिए डायरेक्टली बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। प्रीवियस केस में 10 का बाइनरी नंबर डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल है, बिकॉज 10 का बाइनरी नंबर जब कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करने का वे क्या, डिवाइडेड बाई टू रूल्स, फर्स्ट टाइम कितनी बार डिवाइड, 5 टाइम्स, रिमाइंडर इज 0, नेक्स्ट टाइम अगेन डिवाइड करें, डिवीजन कितनी बार हो, 2 टाइम्स, रिमाइंडर इज 1, नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर इज 0, डिवीजन इज 1। इसलिए इस 10 या किसी भी न्यूमेरिक नंबर का तो बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल, बट हाउ टू कैलकुलेटिंग बाइनरी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें देन ए का बाइनरी नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल लाइक डिवाइड बाई टू रूल्स लाइक दैट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कैरेक्टर और एनी सिंबल। इसलिए जितने भी सिंबल्स क्रिएट होते हैं, जितने भी सी लैंग्वेज और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सभी कैरेक्टर्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर्स को यूनिक अनसाइंड वैल्यू असाइन होता है कॉल्ड एज आस्की वैल्यू। एवरी कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद देयर आस्की वैल्यू और एवरी कैरेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड इनसाइड मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर ऑफ देयर आस्की वैल्यू। अगर ए के केसेस में बात करें, ए का आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू ऑफ ए इज 65। इस प्रीवियस केस में ए का बाइनरी नंबर निकालना पॉसिबल, लेकिन जब भी मेमोरी में वेरिएबल्स में कैरेक्टर ए असाइन करो तो ए के प्लेसेस पर बाइनरी नंबर किसका स्टोर होगा, देयर आस्की वैल्यू और ए का आस्की वैल्यू 65 है, इसलिए बाइनरी नंबर किसका कैलकुलेट करेंगे 65। 65 के केसेस में अगर बाइनरी नंबर्स की बात करें, इसका बाइनरी नंबर है 00001, इज द बाइनरी नंबर ऑफ 65। मीन्स डायरेक्टली ए को मेमोरी में असाइन करना पॉसिबल नहीं, लेकिन ए का बाइनरी नंबर किस फॉर्म में स्टोर, इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू। मीन्स सी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी सिम्बॉल्स और कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स मेमोरी में स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंट। मीन बाइनरी नंबर डायरेक्टली कैरेक्टर्स के लिए कैलकुलेट न करके बाइनरी नंबर कैलकुलेट करें फॉर देयर आस्की वैल्यूज। इसलिए इस केस में अगर बात करें तो आस्की वैल्यू क्या है इसका 65, बाइनरी नंबर इज दैट वन। टुडे बाइनरी नंबर कैलकुलेट कितने बिट्स में हुआ, 7 बिट्स, लेकिन एक्स के पास अवेलेबल बिट्स कितने 8, इसलिए एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करा लेंगे 0 लाइक दैट। देन अगर सेम नंबर और सेम कैरेक्टर्स को जब मेमोरी में असाइन कराओ तो असाइन किस फॉर्म में, बाइनरी क्या है 1 0 0 0 0 1, लास्ट बिट एज 0। दिस द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर ए। सिमिलर टाइप से किसी भी सिंबल्स को जब भी मेमोरी में असाइन करें तो मेमोरी में असाइनमेंट किस फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू। वी आर प्रोवाइडिंग सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाइनरी आस्की वैल्यूज और फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिंबल्स। फर्स्ट वन, आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए इज अपर केस ए 65, आस्की वैल्यू ऑफ बी इज 66, आस्की वैल्यू ऑफ सी इज 67 एंड सो ऑन अप टू जेड, आस्की वैल्यू ऑफ जेड इज 90। इसे अगर मेमोरी में जेड असाइन करें देन जेड के प्लेस पर क्या स्टोर होगा, बाइनरी नंबर ऑफ 90। सिमिलरली इन लोअर केस कैरेक्टर्स, आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97, आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल बी इज 98, आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल सी इज 99, आस्की वैल्यू ऑफ डी इज 100। सिमिलरली आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड इज 122। इसे आस्की वैल्यूज कैसे होंगे, कंटिग्यूअस फॉर्म। सिमिलरली जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स भी इंटरनली इंटरप्रेट होंगे या कैरेक्टर्स, मीन्स टू वे होंगे। सपोज है फर्स्ट वन, सम कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर एक्स इक्वल्स टू 0, सेकेंड एनदर केस कैरेक्टर वाई इक्वल्स टू ऑल्सो 0। फिर 0 इज अ इंटीजर नंबर बिकॉज डायरेक्टली राइट किया, सेकेंड केस में 0 क्या कैरेक्टर बिकॉज इट इज एनक्लोजिंग इनसाइड सिंगल कोट्स, और कोई भी सिंबल सिंगल कोट में एनक्लोज करो देन कंसीडर होगा सिंपली कैरेक्टर्स। मीन्स दोनों केसेस में इनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होंगे। फर्स्ट केस में अगर बात करें, इन फर्स्ट केस
आसान क्या किया, जीरो मीन्स दोनों ही केसेस में वेरिएबल का टाइप क्या है, कैरेक्टर कैरेक्टर, इसलिए एग्जैक्टली बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, ओनली वन बाइट फॉर एक्स वन बाइट फॉर वाई। लेकिन फर्स्ट केस में डायरेक्टली बाइनरी नंबर आसान करेंगे, सेकेंड केस में बाइनरी नंबर के केस में बाइनरी किसका स्टोर होगा, इट्स आस्की वैल्यू। और डिजिट्स के केसेस में बात करें, जितनी भी डिजिट्स हैं लाइक जीरो वन, सभी डिजिट्स का आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो इज 48, आस्की वैल्यू ऑफ वन इज 49, आस्की वैल्यू ऑफ टू इज 50, सिमिलरली आस्की वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इज 57, दीज आर आस्की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिजिट्स। यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दीज आस्की वैल्यू, मीन्स एटलीस्ट आपको डिजिट अल्फाबेट्स अपर लोअर और डिजिट्स के आस्की वैल्यू याद होना कंपलसरी है, मीन्स आपको पूरे आस्की वैल्यू याद नहीं करना, ओनली बिगिनिंग और लास्ट, रिमेनिंग आस्की वैल्यू बिगिनिंग में एडिशन करा के कैलकुलेट करना पॉसिबल है। चेक करते हैं फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में एक्स की बात करें तो एक्स का टाइप क्या है, इंटीज कैरेक्टर, लेकिन एक्स के केस में साइज क्या है, वन वाइट, वन वाइट में साइन करेंगे बाइनरी नंबर ऑफ जीरो, जीरो का बाइनरी क्या है, ऑल्सो जीरो, इसलिए एक्स के केस में क्या साइन होगा, एट टाइम्स जीरो। देन इस केस में अगर एक्स का वैल्यू भी डिस्प्ले कराओ, प्रिंट एफ एक्स यूजिंग परसेंट डी, किसी भी कैरेक्टर का अगर आस्की वैल्यू डिस्प्ले कराना यूज क्या करेंगे, परसेंट डी देन वैल्यू ऑफ एक्स, हेयर आउटपुट इज डिस्प्लेड एट जीरो। सेकेंड केस में टेस्ट करते हैं, सेकेंड केस में वेरिएबल क्रिएट हुआ वाई, वाई के केसेस में वाई का भी साइज क्या है, ऑल्सो वन वाइट, वन वाइट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स, टोटल बिट्स कितने क्रिएट होने, 8 बिट्स। लेकिन इस केस में डायरेक्टली इंटीजर नंबर जीरो आसान करके जीरो के प्लेस पर आसान क्या किया, कैरेक्टर जीरो, कैरेक्टर जीरो विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू, इसलिए इसका आस्की वैल्यू क्या है, 48। इस प्लेस पर मीन्स इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या है, इट बिकम्स लाइक वाई इक्वल्स टू 48, इट इज सिमिलर टू 48। एंड 48 के केस में आसान क्या करें, बाइनरी नंबर ऑफ 48, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 48, इट इज इक्वल टू 32 प्लस 16 दैट वन, दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 48, 32 प्लस 16 इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, कैरेक्टर जीरो इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिट जीरो, इस केस में जीरो क्या था डिजिट, इस केस में जीरो क्या है कैरेक्टर, मीन्स अगर कोई भी सिंबल सिंगल कोड के फॉर्म में राइट करो तो कंसिडर हो जाए डिजिट्स। नेक्स्ट अगर इस केस में वैल्यू डिस्प्ले करा हुए लाइक प्रिंट एफ फर्स्ट वन डिस्प्लेड बाई यूजिंग परसेंट डी डिस्प्लेड बाई यूजिंग परसेंट सी, दोनों ही केसेस में डिस्प्ले क्या करा रहे हैं वैल्यू ऑफ वाई, फर्स्ट केस में वाई के केस में क्या डिस्प्ले हुआ, इट्स आस्की वैल्यू बिकॉज ऑफ परसेंट डी, सेकेंड केस में क्या डिस्प्ले हुआ कैरेक्टर वैल्यू, इस परसेंट डी से हमेशा सिंबल का आस्की वैल्यू डिस्प्ले हुआ, परसेंट सी से कैरेक्टर वैल्यू, इसलिए फाइनल आउटपुट क्या इस केस में, व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ वाई, वाई में क्या स्टोर है जीरो, लेकिन जीरो को आस्की वैल्यू क्या था 48, डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर किसके इक्विवेलेंट है 48, इसलिए फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा 48, सेकंड केस परसेंट सी के अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले होगा कैरेक्टर वैल्यू क्या है जीरो, इज द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस केस। मीन सी लैंग्वेज के अंदर जब भी मेमोरी में कैरेक्टर्स असाइन करें कैरेक्टर्स हमेशा बाइनरी नंबर में स्टोर होंगे, लेकिन बाइनरी नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट्स के लिए सॉरी डायरेक्टली कैरेक्टर्स के लिए कैलकुलेट न करके बाइनरी नंबर हमेशा कैरेक्टर्स के आस्की वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करें। एवरी कैरेक्टर विल बी स्टोर्ड इनसाइड मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ आस्की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन एज बाइनरी नंबर सिस्टम्स, दीज आर बेसिक्स अबाउट कैरेक्टर्स, प्रोवाइडिंग सम स्पेशल कैरेक्टर्स विद सिम्बॉल्स और नेम्स, दिस सिम्बॉल विल रिप्रेजेंट कॉमा पीरियड लाइक दैट, रीड दिस।